बात होगी सुल्तानुल मशायख अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आगे बढ़े इससे पहले फिर बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक। मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करम। शायर बारगाह गरीब नवाज में नजराना मोहब्बत यूं पेश करता है, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। और या गरीब नवाज निगाह लुत्फ करम हम गुलामों की जानो ईमा पर, बोलो आमीन। निगाह लुत्फ करम हम गुलामों की जानो ईमा पर तुफैल कुतुब फरीद व निजाम या ख्वाजा, निगाह लुत्फ करम हम गरीबों की हम गुलामों की जानो ईमा पर तुफैल कुतुब फरीद व निजाम या ख्वाजा। हजरत जिस भारत में हम रहते हैं कभी यह भारत इस तरीके से नहीं हुआ करता था। आज भारत का कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई देहात ऐसा नहीं है जहां पर मस्जिदें ना हों, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद ना होती हो, जहां तौहीद का ऐलान और प्रचार ना होता हो, जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में 5 मरतबा ये सदाएं ना गूंजती हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये जान बख्श जो है फिजा ये आवाज कानों से ना टकराती हो, पूरे भारत में लाखों मदारिस, लाखों मस्जिद, लाखों खानकाहें और लाखों दरसो तदरीस की दरसगाहें हमें नजर आती हैं। ये एहसान है अताए रसूल का। कभी ये भारत इस तरीके से नहीं हुआ करता था। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का दौर दौरा, तोहम परस्ती का दौर दौरा, अंधभक्ति का दौर दौरा हुआ करता था। माबूदाने बातिला की परस्तिश और पूजा हुआ करती थी। नित नए अनगिनत और बेशुमार झूठे खुदाओं को माना जाता था और उनकी परस्तिश की जाती थी, उनकी पूजा पाठ होती थी। अलगर्ज ये हिंदुस्तान जो है कभी कुफ्रिस्तान का गढ़ हुआ करता था। फिर रब तबारक व ताला ने करम फरमाया, एहसान फरमाया बर्रे सगीर हिंदो पाक के बसने वाले लोगों पर। रब तबारक व ताला ने इस कुफ्रिस्तान में ईमान की शमा को जलाने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया, ईमान की शमा को रोशन करने के लिए, इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए, इस्लाम के की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए रब तबारक व ताला ने जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया, जिस जात को चुना रब तबारक व ताला ने, उन्हें सुल्तान मशायख मौइनुल बिल्लतुद्दीन हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। वो जाते बाबरकत जिनके कदम की बरकत से रब तबारक व ताला ने इस कुफ्रिस्तान के गढ़ में इस्लाम की शमा को रोशन फरमाया, तौहीद की शमा को रोशन फरमाया। और कभी सदियों से जो पेशानियां माबूदाने बातिला के सामने झुका करती थी, किसी और को अपना माबूद और खुदा तस्लीम करती थी, बरसों से नस्लन बाबा नस्लिन नस्लें जिनकी कुफ्र शिर्क में खप गई थी, ऐसे लोगों को
नवाज कहते हैं। ये रब तबारक व ताला का इंतखाब है गरीब नवाज। ये रब तबारक व ताला ने चुना हुजूर अताए रसूल गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को भारत के लिए। सन 533 हिजरी में इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाए। संजर एक इलाका सीस्तान में वालिद कलाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन अपने जमाने के यक्ताए रोजगार साहिब कश्फो करामत शरीयत और तरीकत के माहिर उन्होंने शरीयत और तरीकत के संगम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और वालिदे मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर वो फातिमा सानी गौसे पाक की वालिदा, यहां हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का जो नाम मुअर्रिखीन ने लिखा है वो है माहिर उमर, अपने जमाने के बड़ी आबिदा मुजाहिदा, शब शबो रोज जिनकी जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र और याद में गुजरता था। वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद, वालिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन से मौला अली तक पहुंचता है 13 नस्बतों के बाद, और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब इमाम हसन तक पहुंचता है, और इसीलिए आपको नजीब तरफैन दोनों तरफ से पाकीज़ा मुअत्तर और मुतहर नजीब तरफैन यानी दोनों सिमत से बाप की तरफ से भी और मां की तरफ से भी आपका सिलसिले नसब जो है सिलसिले पितरी और सिलसिले मदरी वालिद और वालिदा की तरफ से वो मौलाए कायनात तक पहुंचता है, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। इब्तिदाई तरबियत और तालीम आपने अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल की। 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज फरमाया, 9 साल की सिर्फ उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज फरमाया, और उसके बाद 34 साल जो है आपने मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उलूम शरीयत उलूम हदीस उलूम तफसीर उलूम फिका उलूम कलाम को हासिल करने में सर्फ फरमाए। एक वो जो जहन जो होता है ना लोगों का मिजाज औलियाए किराम के हवाले से, वो समझते हैं कि औलियाए किराम जो है उन्हें इल्म शरीयत को हासिल करने की जरूरत नहीं, यानी शरीयत का जो इल्म है वो उन्होंने कभी हासिल नहीं किया या उसे हासिल करने की जरूरत नहीं है। एक आम जो है लोगों का मिजाज कि कभी औलियाए कामिलीन ने मदरसों का रुख नहीं किया, कभी उस्तादों के सामने जानवे अदब तय नहीं किया, कभी इल्मे तफसीर नहीं पढ़ा इल्मे हदीस नहीं पढ़ा, इस तरह की एक आम जो है सोच जो है लोगों के दरमियान होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब हम अताए रसूल सुल्तानुल मशायख हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करते हैं तो ये पाते हैं कि जिंदगी के कई बरस जिंदगी के कई साल जो है आपने इल्मे जाहिरी इल्मे दुनिया इल्मे शरीयत हासिल करने में सर्फ फरमाए। ये शेरा रहा है अल्लाह वालों का। अल्लाह का जो वली होता है ना उसे उलूम शरीयत भी अता किए जाते हैं उलूम मारिफत भी अता किए जाते हैं। वो शरीयत और तरीकत का संगम होता है, शरीयत और तरीकत का वो एक बड़ा बड़ा समंदर होता है, जहां शरीयत का इल्म उनके पास होता है वहां तरीकत का इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाता है। एक बात याद रखें जाहिलों को अल्लाह तबारक व तआला कभी विलायत नहीं अता फरमाता। हाँ जो शरीयत से बेखबर हो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला कभी विलायत नहीं अता फरमाता। जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून के पाबंद ना हो और जो अपने आप को पाबंद ना करे शरीयत के मुताबिक जो अपनी जिंदगी के शबाबात ना गुजारे रब तबारक व तआला उन्हें अपनी मारिफत कभी नहीं अता फरमाता।
लिहाजा उस सोच से बचें और उस तरह के लोगों से बचें जो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने शरीयत भी अता फरमाता है, उन्होंने मारिफत भी अता फरमाता है। 14 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया, लेकिन बच्चों की तरबियत का मिजाज जो है हमें औलियाए कामिलीन से मिलता है, हमें सालिहीन से मिलता है। बाप का साया सर से उठ जाने के बाद भी आपकी वालिदे मोहतरमा ने आपको कभी फरामोश नहीं किया, बल्कि हर तरीके से आपकी तरबियत फरमाई। बचपन ही से इबादत का जोर और शौक अपने आपके सीने में पैदा फरमाया, बचपन ही से दीन की तड़प और दीन की लगन आपके सीने में आपके कुलों में पैदा फरमाई। वालिद की तरफ से जो मौजू की मुनासिबत से वक्त की किल्लत दामनगीर है, लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी जो सीरत के गोशे हैं हुज़ूर सुल्तानुल मशाइख की वो आपके सामने लाए जाए। वालिद की तरफ से विरासत में एक खजूरों का बाग और एक पंचक्की मिली थी, आपने उल्मा की जबान से सुना होगा। आप उसी की देखभाल किया करते थे, उसी की सैराबी किया करते थे और उसी से आपके जो अखराजात थे, आपके घर के जो अखराजात थे वो पूरे हुआ करते थे। लेकिन रब तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था, रब तबारक व तआला की मशीयत कुछ और ही आपके लिए लिख चुकी थी। पंचक्की आप चलाया करते थे, बाग की जो है देखभाल आप किया करते थे, लेकिन रब तबारक व तआला ने आपके लिए खजूरों के बाग की हिफाजत नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के बाग की जो है सरबराही और सरपरस्ती अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर फरमाई थी। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को ऊंचे मनसब पर फाइज करना चाहे, बुलंद मकाम अता करना चाहे, अपना कुर्ब अता फरमाना चाहे, तो वो असबाब भी अपने आप पैदा फरमाता है। समझ रहे हैं आप? फिर असबाब भी जराए भी अपने आप पैदा होते हैं। रब तबारक व ताला जब किसी बंदे को गुनाहों से बचाना चाहे, तौबा की तौफीक अता करना चाहे, तो फिर जो है वो असबाब भी पैदा फरमाता है, वो जराए भी पैदा फरमाता है। हुआ ये कि आप एक दिन अपने बाग की देखभाल और हिफाजत में मसरूफ थे, उसी इलाके के एक मजदूर हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं, इशारे गैबी से रब की बारगाह से उन्हें इशारा मिला और उस इशारे गैबी को पाकर वो पहुंचे कहां पर? खजूरों के बाग की तरफ। बाग में दाखिल हुए, हजरत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी। अदब के साथ में आपने सायादार दरख्त के नीचे बिठाया, पीने के लिए पानी पेश किया और अपने बाग में से कहीं मौर्खीन ने खजूर भी और कहीं अंगूरों का बाग भी लिखा है, ठीक है। बहरहाल हो सकता है कि खजूरें भी हो और अंगूर भी हो, दोनों किस्म के जो है दोनों किस्म की फसलें एक साथ लगाई गई हो। आप जो है पकी हुई खजूरें लेकर जो है इब्राहिम कंदोजी की खिदमत में पहुंचे और अदब के साथ में पेश किया कि हुजूर इन्हें तनावुल फरमाए। ये सादत देखे किस तरीके से जो है अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। अब वो जो मजलूम थे साहिब हाल, उन्होंने खजूरों को तनावुल फरमाया और उलमा लिखते हैं, मौर्खीन लिखते हैं कि वो जो गठरी उनके पास थी, जहां अपना सामान वगैरह उन्होंने बांधा हुआ था, थैली उनके पास थी, उसमें से रोटी का एक टुकड़ा आपने निकाला और निकालने के बाद उसको चबाया और चबाने के बाद वो हजरत ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती के मुंह में डाल दिया, कहा इसे तनावुल करो, इसे खाओ। चबाने के बाद वो लुकमा जो है आपने अता रसूल को अता फरमाया कि इसे चबाओ, इसे खाओ। लिखते हैं सीरतों में है कि जैसे ही वो लुकमा आपने खाया और वो लुकमा आपके हलक से नीचे उतरा, वो जो हिजाब थे निगाहों के सामने हिजाब हटा दिए गए, मारिफत आपके कल्ब पर जारी की गई, दुनिया से नफरत, दीन से मोहब्बत पैदा हुई और वो जो
वहीं से फिर दीन की तड़प पैदा होती है, वहदानियत के प्रचार की तड़प पैदा होती है और अल्लाह के बंदे को खुदा की बारगाह तक खींच लाने का जज्बा पैदा होता है। इसलिए कहा गया है कि हुजूर गरीब नवाज ही फरमाते हैं, लोगों नेकों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। नेक मजलिसों में, उलमा की मजलिसों में, सूफिया की मजलिसों में शिरकत किया करो। हाँ, ऐसी मजलिसों से अल्लाह तबारक व ताला बुरे वक्त को, हाँ जो मुकद्दर, अगर लोग मुकद्दर की शिकायत करते हैं ना, खराब अगर है, बदबख्ती अगर लिखी हुई है, तो रब तबारक व ताला नेक बख्ती में तब्दील फरमा देता है। मौजू हमारा कुछ और है और वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। नेकों की सोबत में हाजिरी दिया करो। देखिए रब तबारक व ताला जब अताए रसूल हुजूर का ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आगे की मंजिलें, जो कठिन मंजिलें थी, कई सारी दुश्वारियां और परेशानियां आपके आगे आने वाली थी, दुनिया की मोहब्बत उस वक्त तक आपके सीने में थी, लेकिन रब ने जब चाहा, उसकी मशीयत तो इरादा जब हुआ, तो रब तबारक व ताला ने अपने ही एक मकबूल बंदे के जरिए, अपने ही एक मजलूम के जरिए, अपनी ही याद में डूबे हुए रहने के जरिए गरीब नवाज तक अपनी मारिफत को पहुंचाया, अताए रसूल तक अपनी मारिफत को, अपनी मोहब्बत को पहुंचाया। लिहाजा नेकों की सोबत इख्तियार करें, वो जो शराब की लत है, जुए की लत है, नशे की लत है, वो सारी जो लत है पड़ती है, वो कहां से पड़ती है? बुरे की सोबत की वजह से, बुरे की संगत की वजह से। तो बुरे की संगत भी अपना असर दिखाती है। और गरीब नवाज फरमाते हैं आपके इरशादात हैं, आपकी सवाल हयात में ये इरशादात नकल है कि बुरा की सोहबत भी अपना रंग दिखाती है और सालिहीन की सोहबत भी अपना असर जरूर दिखाती है। अब बात आ ही गई है तो सुन लीजिए, दरूद पाक पड़े मोहब्बत के साथ। मौला यसल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। मुख्तसरन सुन लीजिए, बात आ गई है तो सोहबत के हवाले से। हजरत ख्वाजा मंसूर इब्ने अम्मार रदी अल्लाह ताला अपने जमाने के बड़े औलिया में आपका शुमार होता, आपकी मजलिस में कसीर तादाद में लोग शरीक होते। जब आते थे तो गुनाहों का बोझ अपने साथ में लाते थे, जब जाते थे तो तौबा की हिदायत और तौफीक अपने साथ में लेकर जाया करते थे। वो कासीम और तबारक व ताला ने आपकी जबान में रखी थी कि जो कहते थे वो फौरन कबूल होता था। एक मरतबा एक आपकी मजलिस जारी थी, एक गुलाम जो है करीब से गुजरा और वो भी जो है वहीं पर खड़ा हो गया सुनने के लिए कि हजरत मंसूर अम्मार क्या फरमा रहे हैं। तो आपकी मजलिस में एक शख्स जो है वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है कि हुजूर, मैं गरीब हूं, नादार हूं, मुफलिस हूं, बेरोजगार हूं और मुझे अपनी बच्ची की शादी करना है, लिहाजा मेरे लिए आप मदद फरमा दें। उस बंदे की फरियाद पर हजरत मंसूर अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं कि लोगों सुनो, जो कोई भी इस शख्स की माली तौर पर मदद करेगा, मैं चार दुआएं करूंगा उसके लिए। कितनी? चार दुआएं करूंगा उसके लिए जो कोई भी इसकी मदद करेगा। अब वो जो गुलाम महफिल में आया हुआ था, मालिक जो है उसका शराबी, शराब की महफिल जो है वो गलत थी, दोस्तों को घर पर मजाक किया गया था और एक रिवाज था किसी जमाने में, जब तक दस्तरखान पर शराब ना हो दावत को दावत ही नहीं समझा जाता था। तो मालिक ने अपने गुलाम को चार दिरहम दिए, कहा बाजार जाओ और बाजार जाकर कुछ चीजें उससे बताई कि ये चीजें खरीद कर लेकर आओ। गुलाम जा रहा था सामान खरीदने के लिए, लेकिन हजरत मंसूर अम्मार की जबान से जब सुना कि जो कोई इस बंदे की मदद करेगा मैं चार दुआएं उसके लिए करूंगा, फौरन उसने वो चार दिरहम जो है उस साहिब को अता कर दिए। वो जो सवाल करने वाला था फौरन चार दिरहम उसे दे दिए और चार दिरहम
देने के बाद में अब वो हजरत मंसूर अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहता है कि हुजूर अब चार दुआएं मेरे हक में फरमा दें। तो फरमाया बोल क्या चाहता है, पहली दुआ तू क्या चाहता है? वो शख्स कहता है मैं गुलाम हूं, गुलामी में जिंदगी कट रही है, आप दुआ फरमाए कि रब तबारक व तआला मुझे बंदों की गुलामी से आजाद फरमा दे और अपनी गुलामी अता फरमाए। हजरत मंसूर अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु हाथ उठाते हैं, मजमे से कहा जाता है मेरी दुआ पर आमीन कहे, आप दुआ करते हैं मौला इसे गुलामी से आजादी अता फरमा दे। अब पूछते हैं बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? दूसरी दुआ वो कहता है हुजूर मैं ये चाहता हूं कि जो चार दिरहम मैंने आपके कहने पर एक साइन को दिए है ना, इन चार दिरहम का मुझे सिला दिया जाए। जो सिला अल्लाह की तरफ से मिलता है वो तो मिलेगा ही, मैं चाहता हूं कि मुझे अभी इन चार दिरहमों का सिला बदला दिया जाए। हजरत मंसूर अम्मार दुआ करते हैं मौला इसने अपनी हैसियत के मुताबिक मदद की है, तू अपने कर्म के मुताबिक मदद फरमाओ। इसने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है, तू अपनी शान फैलाए अता फरमा। दो दुआएं हो जाती है। अब हजरत मंसूर अम्मार पूछते बोल तेरी तीसरी दुआ क्या है? अब वो बंदा कहता है हुजूर मेरी तीसरी दुआ यह है कि मेरा जो आका है, जो मालिक है मेरा, जिसकी मैं नौकरी करता हूं, गुलामी करता हूं, वो बड़ा फासिक और फाजिर है, कोई दिन कोई रात उसकी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुजरती, बड़ा नाफरमान है रब का, शराब की महफिलें सजाता है, दोस्तों का मदद करता है, नाचदारों की महफिलें सजती है, और मजबूरन मुझे भी जो है गुलाम होने की वजह से उसकी फरमाबरदारी करनी पड़ती है, इताअत करनी पड़ती है, हर हुक्म संभालना पड़ता है, लिहाजा मैं चाहता हूं आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका को तौबा की तौफीक अता कर दे। हजरत मंसूर अम्मार दुआ करते मौला इसके मालिक को फासिक और फाजिर से नेकर साले बना दे। मजमा अमीन कहता है, पूछते बोल तेरी तीसरी दुआ क्या है? अब वो शख्स कहता है मेरी तीसरी चौथी दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मजमे में जितने लोग हैं उन सबकी, मेरी और मेरे मालिक की और मेरे मालिक के साथ जो लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, मैं यह चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन सबकी मगफिरत फरमा दे। दुआ फरमाई आपने, अब वो बंदा पहुंचा वापस दुआएं लेकर अपने घर मालिक के यहां, तो मालिक पूछता इतना वक्त तुम्हें कैसे लग गया, बड़ी ताखीर तुमने कर दी, कहां थे तू? वो सारा वाकया सुनाता है हजरत मंसूर अम्मार की महफिल का। तो अब मालिक ने पूछा अच्छा फिर बता तूने क्या क्या मांगा उनसे चार दिरहम के बदले? वो कहता है सबसे पहले तो मैंने ये मांगा कि मुझको आपकी गुलामी से रिहाई मिल जाए। मालिक फौरन कहता है जा मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया, मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया, तू आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है, अब मेरी गुलामी तर्क कर, जो अकबर हाकिमी है उसकी गुलामी को इख्तियार कर। और आजादी देने के बाद अब जो उसका मालिक था आका था वो पूछता है कि अच्छा बता तूने दूसरी दुआ क्या मांगी? तो गुलाम कहता है मैंने दूसरी दुआ ये मांगी, मैंने कहा कि जो चार दिरहम मैंने दिए हैं अल्लाह की राह में मुझे उसका सिला दिया जाए। अब मालिक कहता है चार दिरहम के बदले ये 4000 अशरफिया तेरे लिए है, जो चार दिरहम तूने दिए थे ना 4000 दिरहम मैं तुझे उनके बदले में देता हूं, वो भी मिल गए। फिर पूछा अब बता तेरी तीसरी दुआ कौन सी थी? गुलाम कहता है मेरी तीसरी दुआ यह थी कि रब तबारक व तआला आपको तौबा की तौफीक अता कर दे। जैसे ही सुनना था जो शराब सामने रखी थी उठाकर पटकता है उसे दीवार पर और रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर कहता है मौला मैं ताइब हो गया, मैं ताइब हो गया, अपने जुर्मों की माफी मांगता हूं, आज के बाद मेरा कोई दिन और मेरी कोई रात तेरी नाफरमानी में नहीं कटेगी, मैं तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा। पूछा बता चौथी दुआ क्या मांगी थी? वो कहता है मेरी चौथी दुआ ये थी कि रब तबारक व तआला हजरत मंसूर अम्मार उनकी महफिल में हाजिर लोग मेरी और आपकी और आपके दोस्तों की सबकी मगफिरत फरमा दे। अब वो मालिक कहता है आका कहता है जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर दिया, ये मगफिरत करना मेरे इख्तियार में नहीं है। तौबा की पहली रात थी, सजदे
की हालत में आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है और मुसल्ले को वो तड़क रहा है, ज़बान पर रब की हमद सना जारी है और उसी हालत में नींद लग जाती है। जब नींद लगी तो किस्मत बेदार हुई और रब की तरफ से निदा आती है क्या मालिक जो तेरे इख्तियार में था वो तूने किया है, तू बंदा होकर अगर ये सब कर सकता है तो मैं तो खालिक हूं, तू बंदा होकर अगर सब कर सकता है तो मैं तो खालिक हूं। चौथी दुआ जो मांगी गई थी कि सब की मगफिरत कर दी जाए, जा मेरे तेरी भी तेरे साथियों की भी मंसूर मार की भी और उनकी महफिल में शिरकत करने वालों की भी सब की मगफिरत फरमा दी है। इसलिए हुज़ूरत आए रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों नेकों की सोबत इख्तियार करो। और गलती से पिछले हफ्ते माजरत के साथ कहूंगा कि वो गरीब नवाज का जो कॉल था वो लफ्जी तौर पर हदीस कहने में आया। गरीब नवाज फरमाते हैं नेकों की सोहबत में हाजिरी देना नेकी करने से ज्यादा बेहतर है। निकल मजलिस चल रही है नेकियों की, जलसे की, अल्लाह के जिक्र की, कुरान की तिलावत की, दरूद पाक की। और कोई ये चाहे कि मैं अकेला खड़े होकर नवाफिल पढ़ता रहूं तो सूफिया फरमाते, बल्कि सूफियों के ईमान फरमाते हैं हजरत सुल्तान उमर शाह गरीब नवाज, वो अपनी नवाफिल तर्क करो और जहां जिक्रुल्लाह की महफिल चल रही हो, जाइए दीन की महफिल चल रही वहां हाजिरी दो, अपने नवाफिल को साइड में रखो। जहां नेकों की महफिल चल रही हो वहां पर हाजिरी दो, इसलिए कि इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़ुल रहमा, जहां सालिहीन की महफिल हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। लोग हम पर एतराज करते हैं। अच्छा एक बात और पूरी कर दो, गरीब नवाज की आपने फरमाया कि बुराई करना बुरों की सोहबत में रहने से ज्यादा बुरा है, यानी कोई अकेला गुनाह कर रहा है ना, अकेला है, कोई साथी नहीं है, कोई गैंग नहीं है, तो वो अकेला जो गुनाह कर रहा है वो बुरा जरूर है, बुरा नहीं ऐसा नहीं, बुरा जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा है बुरों की सोहबत में हाजिरी देना। समझ रहे, उससे ज्यादा बुरा है बुरों की सोहबत में शिरकत करना, बुरों के साथ बैठना, बुरों के साथ उठना। तो सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, नेकों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देती है, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत और बुरों की सोहबत तुम्हें और ज्यादा बुरा कर देती है। लिहाजा गुनाहों की लत अगर किसी को लग गई हो तो उसे चाहिए कि फिर वो तौबा के साथ साथ अल्लाह के जिक्र के साथ साथ कुरान की तिलावत के साथ साथ वो सालिहीन की महफिल में हाजिर हुआ करे। सालिहीन की महफिल की बरकत से रब तबारक व ताला उसे सालिह बना देता है, अच्छा बना देता है। दरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ, मौला सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम। बड़ा एहसान है अता रसूल सुल्तानुल मशायख ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश भूटान नेपाल मालदीव वगैरह ये तमाम ममालिक के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है गरीब नवाज का। 90 लाख लोगों को आपकी दावत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र और शिर्क के दलदल से निकाल कर ईमान की रोशनी और हिदायत का नूर अता फरमाया। ये मामूली बात नहीं है, गरीब नवाज की करामतों का तज़किरा लोग करते हैं, अना सागर को प्याले में आपने खींच लिया, बड़ी करामत है। पेट के अंदर से, मां के पेट के अंदर से बच्चा जो है आपके गुलाम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक औरत ने इल्जाम लगाया था जिना का, वो कहती थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बख्तियार काकी का है। मुरीद पहुंचा पीर की बारगाह में, हुजूर बचाइए मुझे इस इल्जाम से। तो पता है गरीब नवाज ने उंगली से इशारा फरमाया था औरत के पेट की तरफ, क्या बच्चे जो अभी मां के शिकम में है बहुत सच्चाई क्या है, तो अंदर से बच्चा आवाज देता है मेरी मां झूठी है, बख्तियार काकी सच्चे हैं। नहीं बोलोगे? हाँ, बच्चा जो है वो आवाज देता है मेरी मां झूठी है और आपके ये जो खलीफा है बख्तियार काकी ये सच्चे हैं। बड़ी करामत है गरीब नवाज की, आपने एरोप्लेन को उड़ते देखा होगा, हवाई जहाज को उड़ते देखा, हेलीकॉप्टर को, जो जूते को उड़ा दे उससे गरीब नवाज कहते हैं, जो खराब को उड़ा दे उससे गरीब नवाज कहते हैं। बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की गई आपके सामने, हर तरीके से आजमाया गया, हर तरीके से
उसे डराने की कोशिश, भगाने की कोशिशें की गई, लेकिन मेरा गरीब नवाज अकेला रही जिसकी पुष्ट पनाही रब कर रहा हो, जिसकी पुष्ट पनाही रब कर रहा हो, जिसके सपोर्ट में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कौन उसे भगा सकता है? कौन उसे भगा सकता है? कौन सी ताकत उसे भगा सकती है? पृथ्वीराज कहता है निकल जाओ मेरे देश से, फरमाया तू बदल जा, ये मुल्क मेरे अल्लाह का है, तू मुझे नहीं भगा सकता, ये मुल्क मेरे अल्लाह का है। सताया गया, जुल्म किए गए, परेशानियां खड़ी की गई, आखिर में जादूगरों को भी लाकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन रूहानियत में वो ताकत होती है ना, ये कीड़े मकोड़े जो जादू के असर से सांप बन जाते हैं, रूहानियत में वो ताकत होती है। हमें कुरान सबूत देता हूं हजरत मूसा की लाठी का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से करामतों का भी सबूत है। वो जो कहते हैं ना कि ये सब मनगढ़ंत बातें सुन्नी लोग करते हैं, अरे ज़ालिमो उठाओ कुरान और सूरह ताहा को उठाओ, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, पूछा गया हजरत मूसा से क्या है तुम्हारे दाहिने हाथ में, कहा ये आसाया, ये मेरी लाठी है। पूछा क्या करते हो इससे, तवक्कौ अलैहा, टेक लगाता हूं, वहां हुश्य बिहा अला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पाला तोड़ता हूं, वलिया फीहा मारी उखरा, और बहुत सारे काम करता हूं। फिरौन ने जब जादूगरों को बुलाया था, आग की बारिश ऊपर से हो रही है, रस्सियों को सांप बना दिया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर थोड़ी देर के लिए आपके कल्ब अथर पर दहशत का थोड़ा सा असर होता है। रब फरमाता है मूसा डरो मत, बाला अल्किहा या मूसा फल्काहा फइज़ा हिया हय्यतुन तसआ, का ये लाठी तुम्हारे हाथ में है ना, डालो इसे, जैसे ही वो लाठी डाली बड़ा अजगर बन जाता है। ये कुरान से साबित है, जैसे ही वो लाठी आप डालते हैं वो छोटे मोटे सांप जो रेंगे हैं तेरा सबको वो निकल जाती है अजदहा बनकर। तो उसी का जलवा अगर देख रहा हो तो अजमेर की धरती पर देखो, जादूगर आया मुकाबले के लिए, आओ मेरा मुकाबला करो, हवा में उड़ो, मेरे ख्वाजा फरमाते आज तेरे सर से ये जो कुफ्र का भूत है ना ये निकाल कर रहूंगा, आज तेरे सर से कुफ्र का भूत निकाला जाएगा, जो किसी और की पूजा पांच वर्षों से कर रहा था आज तुझे खुदा की चौखट पर लाकर खड़ा किया जाएगा। और फिर आप नहीं उठे, नजरें भी नहीं उठाई, जूते को भेजा कि अभी जूतों की जरूरत है, जाओ और इसे नीचे लेकर आओ। जब जूते सर पर पड़ते हैं ना तो अच्छे छोटी अकल झुका जाती है, हाँ जब जूते पड़े सरों पर, कुफ्र का वो जो गुरूर था वो तारीकी थी, ताकि तारीकियां थी वो छठी, कदमों पर गिर पड़े, मेरे ख्वाजा गुलामों में कबूल करो, गुलामों में कबूल करो, जिंदगी गुजारती रब की नाफरमानी में ईमान की क्षमा मेरे सीने में रोशन करो। वह गरीब नवाज, बड़ी बड़ी करामतें हैं, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत यह है 90 लाख लोगों को कुफ्र शिर्क के दंगल से निकालकर खुदाए वहदहू ला शरीक का परस्तार बना देना, यह मेरे ख्वाजा की सबसे बड़ी करामत। किसी एक को कलमा पढ़ाकर दिखाओ, हाँ किसी एक को बताओ, वो किरदार था, वो अखलाक थे, वो सीरत थी, वो पेशानी से अल्लाह का नूर चमकता था, दुनिया देखकर खिंची चली आती थी। लाख लोगों को रोका गया लेकिन कोई माना नहीं, गुलामी में लोग दाखिल होते रहे और इस्लाम को कबूल करते रहे। आज जब पूरे भारत में मसाजिदों का जो जाल हमें नजर आता है और अल्लाह अकबर की सदाएं जो हमें सुनाई देती है, यह एहसान है सुल्तान बशाए का, एहसान है गरीब लिबास का। लिहाजा अपने मोहसिन को याद करो, और उनका तज़किरा हम इसीलिए करते हैं कि सालिहीन का तज़किरा करना अल्लाह की सुन्नत मुबारका। अल्लाह ने अपने बंदों का तज़किरा फरमाया कुरान पाक में, उनकी सीरत का बयान फरमाया, सालिहीन का तज़किरा करना अल्लाह तबारक व तआला की आदत मुबारका। लिहाजा मौका जब भी मिले अजमेर शरीफ जाने के लिए जाइए, दुनिया खरीदने के लिए नहीं। क्या नहीं मिलता है आपको सटाना, मालेगांव, नासिक और बॉम्बे में? खरीदी करने में अपना वक्त जाया करते हैं लोग, खरीदी करने के लिए आपको यहां मार्केट की कमी नहीं है, वहां जब जाते हैं तो बिगड़ी को संभालने की बात करो, मुकद्दर को संभालने की बात करो, गरीब नवाज की बारगाह से अल्लाह से हिदायत मांगो, तौबा की तौफीक मांगो, और बुरे बाद तो सालिहीन के जमरे में शामिल हो जाने की दुआ
इसलिए कि वो आस्ताना है जहां अल्लाह की रहमतों का नुजूल होता है, जहां आप खैर मांगोगे जरूर पालोगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।